तेरी नैया है माँ तेरे हाथों में अब, तेरी नैया है माँ तेरे हाथों में अब, चाहे मारे तू मुझे चाहे तारे माँ तू, दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, मेरे मुख में तुम्हारा नाम रहे, नाम रहे हे माता, ओए अपने माता, हे जगदम्बा, ओए अपने माता, माता ओए अपने माता, माता ओए अपने माता, मैया में जब तक पानी रहे मेरे मुख में तुम्हारी कहानी रहे, माँ कहानी रहे, माता ओए माता, माता ओए माता, ए बोलो ओए माता, माता ओए माता, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय गुरु दाता, जय गिर नारी, जय गुरु दाता, हरि ओम ताचा, जय गुरु दाता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गाइए दो मिनट भाव से, कलयुग में महामंत्र है, हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे Krishna.
से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल से मिला दे, श्याम से मिला दे बंसीवाले से मिला दे, श्याम से मिला दे बंसीवाले से मिला दे, मंच पर विराजमान महंत रविग्रह बाबा और द्वारका नदी जामनगर द्वारका के बीच में जो भूदेव है एक सुदामा कृष्ण को मिलने गया और वो द्वारकाधीश में सम्मिलित हुआ और एक सुदामा आपके अय्यापुर उड़ू टांडा शिव पुराण कथा में आए ऐसे ब्राह्मण देवता शशिकांत दादा को भी अपताली से स्वागत करे सर। और मेरे गंधर्व मेरे सर्वस्व मेरा हाथ मेरी आवाज मेरा साज मेरी जान इन संगीत वाले भाइयों को भी ताली से स्वागत कीजिए सर। आप ऐसा नहीं समझना कि यहाँ ही प्रणाम करते हैं, ये छोकरे सुबह में प्रणाम करने आते हैं, शाम को आने से पहले प्रणाम करने आते हैं और आपके सामने भी करते, दिखावा नहीं करते ये। और हम ये कथा में इकट्ठे होते हैं, हम लोग इकट्ठा करके नहीं बोलते क्या गाना क्या बोलना, व्यास गादी आए परम में धीतो भगवान जो बोलावे वो बोलते हैं, हम कथा में इकट्ठे होते हैं। मैं अपने कमरे में रहता हूँ, अपने कमरे में रहते हैं और मर्यादा रखते जितने अपने माँ बाप गुरु के रखते हैं ऐसे संगीत वाले भाइयों को भी ताली से स्वागत कीजिए। और मेरे पत्रकार भाई हर दिन सारे पंजाब इन अखबारों के माध्यम से अय्यापुर उर्म टांडा निवासियों की तरफ से शिव महापुराण का जो प्रचार करें इन पत्रकार भाइयों को भी ताली से स्वागत किए जोरदार। क्या बात है, हाथ भगवान ने नहीं दिया, ताली बजाइए उन पत्रकार भाइयों के लिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी कथा में ताली बजाओ मेरे लिए, मैं जब भी बोलूंगा तो दूसरे के लिए और मेरे लिए ताली भी नहीं बजाना साहब, कथा सुन के ताली से उड़ा नहीं देना, ऐसे कथा में ताली बजाना मना होता है, पर जब समय आवे तो किसके लिए बजाओ, भगवान के लिए बजाओ। पहले जमाने में कथा में ताली नहीं बजाते, अभी कहां से सिखा दिए, फिर भी अच्छा है ताली बजाओगे ऐसे तो जोर से बजाओ ऐसे ताकि आपकी कितनी प्रॉब्लम ना हो। ये जो है पड़े, आपने देखा किन्नर भाई, किन्नर लोग तालियां बजाते कभी दवाखाने में नहीं जाते, उनको बीमारी नहीं आती है, तालियां बजाओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, पर मेरे लिए नहीं भगवान के लिए। फोगट के आदमी के लिए नहीं, कल बहुत फोन आया कि कल आप किस नेता को बुलाए तो जो भाषण करता था, मैं बोला मैंने नहीं बुलाया, गांव वालों ने बुलाया था, क्योंकि कथा का मंच है, या भड़काऊ भाषण नहीं। क्या नौ दिन का महारुद्र यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ और नौवें दिन की आज कथा भगवान की कृपा से आप और हम उनके चरण में बैठ के भोलेनाथ बाबा की दया से निर्विघ्न पूरी होने जा रही है। इसलिए सब मेरी माताओं के चरणों में प्रणाम, मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ है सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और मेरे पुलिस वाले भाई और मेरे बहन जो भी पुलिस स्टाफ आपकी रक्षा में खड़ा उनको भी जोर से ताली से स्वागत करो साहब, पुलिस वाले भाइयों को बहनों को। अब आता है जिसने सच्ची सेवा करी 3 महीने से लगातार, और 4-5 आदमी ऐसे मेरे चुने हुए कि मैं 13-14 साल से आता हूं
जिसको जो बोलूंगा वो जिबान नहीं काटने से पहला नंबर है बलजीत सिंह, ताली से स्वागत करो। वो हनुमान जी का चेला है, मेरा नहीं, उसको जो कहेंगे कर देंगे। दूसरा है सुभाष चावला, उसे ताली से स्वागत करो। तीसरा है सुभाष सोंडी, उसको ताली से स्वागत करो। और आप लोगों ने जो भी दिया है, 5 रुपए से 1 रुपए से 10 से 100 तक, आपको भी हम सब ताली से स्वागत करते हैं। और दिन रात हमारे लाठी साहब सेंगल परिवार, लाठी साहब सोनू भैया, उनके मित्र कपिल सोंडी, अरुण और उनके साथ, जिनका मुझे नाम नहीं आता है समा करना, कोई बुरा मत लगाना, मेरा कोई शत्रु भी नहीं, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं, आप सब मेरे हो साहब। इन सब भाइयों को भी ताली से स्वागत करो साहब, जिन्हें लगातार 3 महीने से घर घर प्रचार किया। आप कहोगे बार बार इसको क्यों याद करते हो, उसने आपको यहां मिला दिया साहब, कितना सुंदर आयोजन किया है। आप और हम तो तैयार में बैठ गए हैं, और लोगों ने अपना काम काज छोड़ दिया, 3 महीने से लगातार सेवा कर रहे, जो भी उनको भगवान देख रहा है, जिनने भी सेवा किया है, भाई बहन माता बेटियां, उन सभी को हम जोरदार ताली से स्वागत करें साहब। अब रही सेवादार, जो लंगर में सेवा करते हैं, हलवाई भाई, जूते में सेवा करते, सब भाई लोग आ जाओ, सब आइए, क्योंकि बाद में मुझे समय नहीं मिलेगा, इसलिए आइए, हम आपका वाणी से स्वागत करते, सब आ जाइए। जितने भी सेवादार है इधर से आइए, इधर से हलवाई भाई से लेकर लंगर में जी वो सेवा करते हैं, और जो जूते की सेवा करते, 1 मिनट के लिए सब आए, देर नहीं लगाना भैया, जल्दी आइए, इतने में कीर्तन सुनाओ। भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाती है, भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाती है, जितना जितने कर्म किया है, जितना जितने कर्म किया है, उनको इतना देते हैं। जितना कर्म किया है, जितने जितना कर्म किया है, उनका वो देते हैं। भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, सब सेवादार भाई आ जाओ, दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। दानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाए, दानव मानव और गंधर्व सब कोई चरण में जाते हैं, शिव शरण में जाके सब कुछ, शिव शरण में जाके सब कुछ मनवांसी ते फल पाए। दरबार आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए सर, इसके बाद एक आएंगे, सब यहाँ खड़े हो जाते हैं, एक बार सब साथ में, फिर बाद में एक साथ में आएंगे, जो जूता की सेवा कर रहे हैं, लंगर में सेवा कर रहे हैं, हलवाई भाई सब आ जाए, 1 मिनट के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, फिर इसके बाद एक आना, धक्का मुक्की नहीं करना, प्रणाम करके दर्शन करके फिर चले जाना। हेलो, बेनती है बाप जी का हुक्म आ, जिन्हें भी सेवादार जिन्होंने जोड़िया की सेवा की, लंगर की सेवा की, और भाइयों बहनों भी, माताएं भी आ जाए, बहन भी आ जाए।